हेलो स्टूडेंट, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखा था, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, और बाद में एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या था? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ओके, और हमारे इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करने हैं, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे वो प्रॉब्लम क्या पूछे जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पढ़ लिया था। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? मतलब इफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशन। मगर अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम 5 मिनट में 10 किलोमीटर और नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमें क्या देखना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या देखना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में कौन से दो क्वांटिटीज वहाँ पे हैं? डिस्टेंस और टाइम। क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला था कि इफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वहाँ भी क्या है? डिस्टेंस एंड टाइम है। तो हमें डिस्टेंस और टाइम का अगर ग्राफ निकालते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन तो कैसे आता है? तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमें वो स्टडी करना है। तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, आपके बुक में एक टेबल गिवन है। यहाँ पे टाइम गिवन है सेकेंड में, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये टाइम किसमें गिवन है? सेकेंड में गिवन है। फिर यहाँ पे डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट में इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये यहाँ पे गिवन है। जैसे 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस, मीटर डिस्टेंस किसमें गिवन है? मीटर में 0 मीटर कवर किया। क्यों? क्योंकि टाइम भी क्या है? 0, तो डिस्टेंस भी कितना कवर होगा? 0। ओके, देन 5 सेकेंड में कितना किया? 15 मीटर। 5 सेकेंड में कितना, सॉरी 10 सेकेंड में कितना किया? 15 मीटर किया। ठीक है, देन नेक्स्ट 20 सेकेंड में कितना किया? 30। पर यहाँ पे डिफरेंस देखो, फिर 30 सेकेंड में कितना? 45। मैंने क्या बोला था, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ये 10 सेकेंड में उसने 15 मीटर कवर किया, फिर से 10 सेकेंड, 10 के बाद 20, मतलब 10 सेकंड में कितना किया? 30, मतलब 30 माइनस 15 कितना किया? 15। यहाँ पर भी इनका डिफरेंस कितना आया? 15। 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 ओके, तो हर, और अगर हम टाइम का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना? 10 सेकेंड। ओके, मतलब यहाँ पे देखो, इक्वल टाइम है, टाइम क्या है? इक्वल है, और डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल है। डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल है, मतलब क्या? ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ ऑलरेडी हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, हमारे पास डाटा गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है? इस डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और देखना है कि ग्राफ कैसा है, कर्व है, स्ट्रेट है, या फिर कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 के लिए 0, मतलब पहला पॉइंट हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पे ओरिजिन में आएगा। उसके बाद 10 सेकेंड के लिए 15 मीटर। अब टाइम कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। टाइम कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, टाइम कितना गिवन है? 10, मतलब 10 सेकेंड के लिए कितना? 15 किलोमीटर। 15 का आएगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ मिला। तीसरा 20, 30। 30 किसके बिटवीन आएगा? 40 और 20 के बिटवीन। ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, देन
30 to 45, 30 के लिए कितना 45, यहाँ पे कुछ आएगा 30 to 45, ठीक है। उसके बाद 40 के लिए 60, 40 के लिए कितना आएगा 60, ओके। उसके बाद 50 के लिए 75, 50 के लिए 75, 70 और 75, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद 60 के लिए 90, 60 के लिए 90, 80 और 10 के बिटवीन 90, ये मिला हमें ग्राफ। तो हमारा ग्राफ कैसा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। हमें ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो हमने, यहाँ पे जो डाटा गिवन था उसके थ्रू हमने क्या निकाला, ग्राफ निकाला। तो यहाँ पे हमें ग्राफ कैसे मिला, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, ओके। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। तो टाइम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हमें सिर्फ यही बताना था कि अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए टाइम डिस्टेंस का ग्राफ बनाया है, वैसे ही हमें किसके लिए बनाना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ग्राफ सेम है, मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अब हमें ग्राफ बनाना है, तो वो कैसे आता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे 5 मिनट में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, पहले 5 मिनट में सपोज वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो ए टू बी जा रहा है। दूसरे 5 मिनट में वो सिर्फ 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ओके। तीसरे 5 मिनट में वो क्या कर रहा है, जैसे मान लो 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है क्या ऑब्जेक्ट, नहीं। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ट देखा था यूनिफॉर्म मोशन में, तो डिस्टेंस का जो डिफरेंस था हर पॉइंट का वो क्या था, सेम था। और टाइम का भी डिफरेंस क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ पे देखो, टाइम का अगर डिफरेंस निकालते तो 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, मतलब यहाँ पे 5 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस में डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 10। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है क्या, नहीं। मतलब वो टाइम तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल हर पॉइंट पे डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अलग अलग ट्रैवल कर रहा है। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए हमें फिर से क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो टाइम मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ में लिया था, और डिस्टेंस कहाँ पे लिया, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे स्केल कितनी हुई टाइम की, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेकेंड, क्योंकि हम टाइम सेकेंड में ले रहे हैं। कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेकेंड। उसके बाद ऑन वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस किसमें गिवन है, मीटर में, ओके। तो फिर से वही प्रोसेस करना है हमें, यहाँ पे हमें डाटा गिवन है बुक्स में, हमें यहाँ पे उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ ऑब्जर्व करना है
कि वो ग्राफ कैसा है। जैसे हमारा टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट 0 0 है, मतलब हमारा पहला पॉइंट फिर से ओरिजिन पे आएगा। उसके बाद 5 सेकेंड के लिए 7, 5 सेकेंड के लिए कहाँ पे पॉइंट आएगा, 7 पे पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद 10 सेकेंड के लिए 12 मीटर, 12 मीटर मतलब 10 से थोड़ा ऊपर, ओके। 15 के लिए कितना, 20, 15 के लिए डायरेक्ट 20, ओके। देन 20 के लिए कितना है, 30, 20 के लिए कितना, 30, ओके। और 25 के लिए 41, 25 के लिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक 41, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 30 के लिए 50, डायरेक्ट 50 30 के लिए, ठीक है। तो ग्राफ कैसे है, देखो एकदम कर्व ग्राफ आया है। क्या आया है, कर्व आया है, कर्व आया है। उसका ग्राफ कैसे आया था, एकदम स्ट्रेट लाइन आया था, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जो हमारा टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ था फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या आया था, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आया था। लेकिन यही ग्राफ टाइम डिस्टेंस का, यही ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आया है, कर्व आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये ग्राफ कैसे आया है, कर्व है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैवल कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ से यही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर हमारे ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ कैसे आएगा, जिगजैग आ सकता है या फिर कर्व भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। आपके बुक में ये स्पेस ब्लैंक गिवन है, तो आपको ये डाटा यूज करके यहाँ पे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ओके, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इससे पहले हमने दो ग्राफ निकाले हैं, एक ग्राफ क्या था हमारा, टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा था टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारा नेक्स्ट ग्राफ किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके बिटवीन हमें ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। पहले हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम निकाला था, लेकिन अभी हमें किसके बिटवीन ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बिटवीन, फॉर किसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में भी वैसे ही होता है, देर इज अ यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, ना तो टाइम चेंज हो रहा है ना तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म बोला जाता है। वैसे यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने एक ग्राफ बोला है किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए कैसे आता है ग्राफ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, अब यहाँ पे टाइम किस में है, आवर्स में। पहले ग्राफ में हमने सेकंड में लिया था, ठीक है, यहाँ पे किस में है, आवर्स में। और यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर्स, मैंने वेलोसिटी का यूनिट बताया था, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी का यूनिट। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है स्मॉल क्वांटिटी में है, मीटर में। अगर लार्ज क्वांटिटी है तो किस में करते हैं, किलोमीटर में, किलोमीटर में। वैसे ही अगर स्मॉल क्वांटिटी में टाइम है तो उसे हम सेकेंड में मेजर करते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में होगा तो किस में करेंगे, आवर्स में करेंगे। तो यही यूनिट है मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो किसके लिए, लार्ज क्वांटिटी के लिए है, किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या दिया है, किलोमीटर पर हावर में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ट्रेन मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर।
ट्रेन की वेलोसिटी है तो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब देर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। एक ट्रेन मूव कर रही है, मोशन में है, वो कौन से उसकी वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर पर हावर, मतलब एक हावर में वो कितना किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, मतलब वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज 1 आवर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर हावर, तो एक हावर के लिए 1 आवर में वो 60 किलोमीटर जाएगी। अब मैंने क्या बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं। तो ग्राफ हमारा कैसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ग्राफ कैसे होगा, एकदम स्ट्रेट, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे टाइम तो चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कौन सा 1 आवर के लिए आएगा, यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा 2 आवर के लिए आएगा, 3 आवर के लिए, और यहाँ पे 4 आवर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 आवर्स और ये 4 आवर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं, वेलोसिटी उतनी है 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। पहले 1 आवर के लिए कितनी वेलोसिटी थी, 60 किलोमीटर, 2 आवर के लिए कितनी होगी, 60 किलोमीटर, 4 आवर के लिए कितनी होगी, 60 किलोमीटर, 5 के लिए कितनी होगी, 60 किलोमीटर ही होगी, देर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे, किसके लिए, किसका ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, और फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। स्केल क्या ली थी हमने, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर, ये हावर में गिवन है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर हावर, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे क्या ली है, वेलोसिटी ली है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर हावर, इसके लिए, नहीं तो जनरल क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये लार्ज क्वांटिटी में है इसलिए हमने यूनिट क्या लिया है, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जैसे हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 और 4 आवर्स, 2 और 4 आवर्स के बिटवीन जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से ये 2 का और ये 4 का, ये जो डिस्टेंस है वो कितना कवर्ड हुआ है, कितना कवर्ड हुआ है, ये हमें वहाँ पे उन्होंने पूछा है। स्ट्रेट लाइन है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं और डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करोगे फाइंड आउट इस क्वेश्चन का आंसर, 2 और 4 के बिटवीन कितने आवर्स है, 2 और 4 के बिटवीन 2 आवर्स, ये 1 आवर्स और ये 2 आवर्स, तो टाइम कितना हुआ हमारा इसके लिए, 2 आवर्स, ओके, 2 आवर्स टाइम हुआ। देन हमारी वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 60 किलोमीटर, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इक्वल टू, बताया था पिछले क्लास में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पुट करो, हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, कितना है वेलोसिटी, 60 किलोमीटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और एस से भी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, और टाइम कितना गिवन है, 2 आवर्स, तो ये इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 60 × 2 दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, मतलब वो एक हावर 2 और 4 के बिटवीन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 120 किलोमीटर, ऑब्वियस है, क्योंकि देखो 60 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड है, तो एक हावर में वो 60 किलोमीटर जाएगी, दूसरे हावर में 120 जाएगी, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, एक आवर में 60 किलोमीटर, दूसरे आवर में 120 किलोमीटर, ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया ऑफ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन द ग्राफ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन,
मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है, टू और फोर के बिटवीन अगर हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है, टू और फोर के बिटवीन, टू और फोर के लिए पूछा है, टू और फोर के लिए यहाँ पे अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ तो ये फिगर क्या हुई, ये जो यहाँ पे फिगर बनी है ये क्या हुई, रेक्टेंगल हुआ। तो उन्होंने उसका एरिया पूछा है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। अगर मान लो ये लेंथ है और ये ब्रीड्थ है, तो लेंथ कितनी है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर लेंथ है किलोमीटर पर हावर इंटू, और ये क्या है हमारा टाइम है, टाइम कितना है 2 hours, टू और फोर के बिटवीन हमारा टाइम कितना है 2 hours, 2 hours, ठीक है। तो क्या होगा 60 into 2 into, फिर से 120 किलोमीटर ही आएगा। मतलब हम एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करके भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर वो फॉर्मूला यूज़ करके भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी में क्या बोला है, व्हाट इज़ द एक्सलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सलरेशन भी पढ़ाया था, एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कॉल्ड एज अ एक्सलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो दैट बॉडी विल बी एक्सलरेटेड, मतलब वो बॉडी क्या हो रही है, एक्सलरेट हो रही है, वहाँ पे एक्सलरेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस बॉडी में क्या जनरेट होता है, एक्सलरेशन जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मैंने एक्सलरेशन के कंसेप्ट में बताया था, पॉजिटिव एक्सलरेशन कब होता है, निगेटिव एक्सलरेशन कब होता है, और ज़ीरो एक्सलरेशन कब होता है। पॉजिटिव एक्सलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सलरेशन होता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब क्या होता है, निगेटिव एक्सलरेशन जनरेट होता है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर तो आएगा 120 किलोमीटर, उस इसका एरिया, इस फिगर का एरिया, उन्होंने फिगर का एरिया ही पूछा है, एरिया ऑफ द पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन अ ग्राफ, ओके, एंड व्हाट इज द एक्सलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ मतलब वहाँ पे एक्सलरेशन क्या है, ज़ीरो है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसके लिए है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, ओके। इससे पहले हमने कौन सा ग्राफ निकाला था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए निकाला था। अब हमें ग्राफ किसके लिए निकालना है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सलरेशन क्या होता है। एक्सलरेशन के बारे में मैंने क्या बताया, देर इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कॉल्ड एज एक्सलरेशन। अगर टाइम टू टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, देन दैट बॉडी जनरेट एक्सलरेशन, मतलब उस बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सलरेशन जनरेट हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, जैसे मैंने यूनिफॉर्म बताया, यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होना, मतलब देर इज नो चेंज इन एनी फिजिकल ऑन, अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन बोला है तो यहाँ पे एक्सलरेशन में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सलरेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके, कॉल्ड एज एक्सलरेशन, ओके। एक्सलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन बोला है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मतलब ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ये होगा क्या, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी द इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट में अगर ये वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी सपोज मान लो ये फर्स्ट पॉइंट 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो दूसरे पॉइंट पे भी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर
सेकेंड ही होनी चाहिए। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड होगी। चेंज हो रही है लेकिन डिफरेंस कितना है दोनों का? सेम है, 5 ही है। तीसरे पॉइंट पे कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हुई। ठीक, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ही कहाँ से होगा। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वो इक्वल अमाउंट में हो रही है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर इनका डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेलोसिटी चेंज है वो क्या है? इक्वल अमाउंट है। ठीक है, मतलब इफ द वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट एक्सेलरेशन कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या? कि वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है। यहाँ पे टाइम गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। पहले ग्राफ में हमने किलोमीटर पर हावर्स में यूनिट दिया था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम टाइम का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है? 5। यहाँ पर भी कितना है? 5। यहाँ पर भी कितना है? 5। यहाँ पर भी कितना है? 5। मतलब टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है लेकिन वो इक्वल अमाउंट। ठीक है, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं 8, इनका भी निकालते हैं 8, इसका भी 8 और इसका भी 8, मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है? इक्वली चेंज हो रही है, 8 से ही चेंज हो रही है। पहले 0 थी, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, मतलब वो चेंज तो हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है? इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर इसमें समझ में नहीं आता तो फॉर्मूले से निकालते। देखो, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? v-u/t। ओके, अगर हम इसकी बात करते तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8। तो 8-0/t, टाइम कितना लगा दोनों की इसमें? 5 सेकेंड। 5, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हुआ? a इज इक्वल टू 8/5 एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हुआ। अगर हम इसके लिए निकालते हैं तो ये हमारी, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला, 16-8/ टाइम सेम है 5 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 8/5, फिर से 1.6। मतलब एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? सेम। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वहाँ पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें ग्राफ किसके लिए निकालना है? ग्राफ किसके लिए निकालना है? हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला है फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली। टाइम का यूनिट है सेकेंड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए है यूनिट्स, सॉरी स्केल वहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ग्राफ देखो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जब हमने ये वाले पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किए ग्राफ पे तो ये एकदम कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप कभी भी ग्राफ बनाओगे किसका? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो हमेशा कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाओगे तो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कैसा है, वो जिगजैग भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, सेम नहीं होगा। और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, इसलिए ग्राफ कैसे आया? स्ट्रेट लाइन। ऐसा ग्राफ कौन से केस में आया था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में भी
ग्राफ कैसे आया था, स्ट्रेट लाइन आया था। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो भी ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी क्या पूछते हैं कि ये दो पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है और यहाँ पे टाइम गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कितना है, 10 to 20, मतलब हमारा टाइम है 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड है, और वेलोसिटी कितनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक, 60 to 32, मतलब इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 32 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टी, सॉरी एक्सलरेशन हो गया वो, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 8 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड। दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी, दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो टाइम ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10, और सॉरी टाइम कितना है 5 और ये 25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी टाइम कितना है 10 है, दो पॉइंट में 10 सेकेंड का है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी केस ये भी, जैसे हमने उस टाइम एरिया निकाला था, तो एरिया निकल के भी हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइम सॉरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर दो फिगर है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये दूसरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसे हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अगर पूरे फिगर का हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी ई सी डी, तो क्या बनेगा, पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा या फिर इस रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हाट, ए ई सी डी, ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए बी ई, कौन सा है, एरिया ए बी ई। यहाँ पे जो भी डाटा गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। दोनों का अगर एरिया ऐड करते हैं तो हमें किसका एरिया मिलेगा, इस पूरे फिगर का एरिया मिलेगा, इस पूरे फिगर का। और ये पूरा फिगर मतलब नथिंग बट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑल ग्राफ। तो इस हम आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा किसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, और ये लास्ट ग्राफ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़ा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको घर पे स्टडी करने हैं, आपके बुक में गिवन है, कुछ क्वेश्चंस पूछे इस पे, इसके इसी ग्राफ के बेसिस पे आपको वो क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, सॉल्व करने हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन क्या करना है, पुट अप करना है, या फिर आप पर्सनल ग्रुप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।